Assalamualaikum little learners, I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम Gohar Grace English Playgroup Age 3+ का पेज नंबर 26 करने वाले हैं और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम एक न्यू लेटर सीखेंगे. आपको याद होगा कि हम पहले से बहुत सारे लेटर्स पढ़ चुके हैं. क्या मुझे आप उनके नेम्स बता सकते हैं? Very nice. A, B, C, D, E, F, G, H. And what comes after H? I. Very nice. तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? Letter I, यानी उसका name, उसका sound, उससे बनने वाले बहुत सारे words और उसकी formation भी. और उसके साथ साथ हम उसकी बहुत सी activities भी करेंगे. तो चलिए चलते हैं book की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये है हमारा पेज नंबर 26 और ये है लेटर आई. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर? लेटर आई. और ये बहुत इजी है, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. वेरी सिंपल. और कितना आसान है ना. और इसको ढूंढना सबसे आसान है. आपने क्या सोचना है? जैसे नंबर वन होता है वैसे ही लेटर आई भी होता है. तो क्या नेम है इस लेटर का? लेटर आई. और उसके बाद आप देखें कि आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है. वेदर थोड़ा सा स्नोई लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा इग्लू नजर आ रहा है. ये क्या है? व्हाट इज दिस इग्लू? ये क्या है? इग्लू है. अच्छा, आपको पता है कि इग्लू कहाँ होता है और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये होता है ऐसे एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है और वहाँ पे इग्लू जैसे हाउसेस बना लिए जाते हैं. ये सारे ऐसे राउंड एक रूम की तरह और उसका जो डोर है वो बहुत छोटा सा और अंदर जाके होता है. और ये इग्लू जो है वो हमें बर्फ़ से यानी ठंड से बचाने में काम आता है. ज़्यादातर आर्मी के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पे, इतनी ज़्यादा बर्फ़ में नॉर्मल लोग तो रहते ही नहीं हैं. तो ये क्या है? इग्लू. और इग्लू किससे बनता है? आई से. किससे बनता है? आई से. तो ये क्या है? इंसेक्ट है. और इंसेक्ट किससे बन रहा है? आई से बन रहा है. और ये क्या है? ये है आइसक्रीम. और आइसक्रीम किसके हाथ में है? एक बॉय के हाथ में है जो कि बहुत ही इनॉयड लग रहा है और उसने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? आइसक्रीम. अच्छा, क्या आप सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं? मुझे तो सर्दी में आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है. तो आइसक्रीम भी किससे बन रहा है? आई से. और इसके अलावा भी आई से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. लेकिन हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से वर्ड में लेटर अपने नेम के साथ आ रहा है और कहाँ पे लेटर का साउंड आ रहा है. अब ये देखें, आइसक्रीम. आइसक्रीम में लेटर आई अपने नेम के साथ आ रहा है. आइसक्रीम. आइसक्रीम. और इग्लू में क्या है? इसका साउंड है. और आई का साउंड क्या है? ए ए ए. इग्लू. 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 और इंसेक्ट में भी आई का साउंड है. इंसेक्ट. 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 राइट. टीचर्स नोट, आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द वर्ड्स बिगनिंग विद द लेटर आई आफ्टर यू. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि लेटर आई को लिखते कैसे हैं, यानी इसकी फॉर्मेशन क्या है. तो सबसे पहले ए में ट्रेस विद योर फिंगर एंड पेंसिल, जैसे कि हम पहले करते हैं. शो मी योर टू फिंगर्स एंड जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक नंबर वन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. तो हम क्या करने वाले हैं? हम एरोस को फॉलो करते 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 हॉलो लेटर में लेटर आई बनाएंगे. ये क्या है? लेटर आई. और ये हमने हॉलो लेटर में ट्रेस किया, अब हम इसकी डॉट्स पे ट्रेसिंग करने वाले हैं. Put your pencil in the first dot and just join the dots very slowly and very nicely. Okay, so this is letter I. इसको अब आपने कंप्लीट कर लेना है किसी की हेल्प के साथ. B, tick the correct words. यानी हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और उनके नीचे उनके नेम्स लिखे हुए हैं और आपने क्या करना है? जो उसका अपना नेम है उसको आपने टिक कर देना है. सबसे पहले क्या है? देयर इज़ अ, आई थिंक इट्स अ मॉस्किटो. व्हाट इज इट? मॉस्किटो. और मॉस्किटो एक इंसेक्ट होता है. और ये देखें, डक एंड इंसेक्ट. तो हम क्या करेंगे? इंसेक्ट को टिक कर देंगे. और इंसेक्ट किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? आई से, लाइक इंसेक्ट. ए
इंसेक्ट। और ये क्या है? इग्लू है, जो बर्फ में होता है। और फर्स्ट वर्ड है इग्लू एंड नेक्स्ट वर्ड है गेट, तो हम किसको टिक करेंगे? इग्लू को टिक करेंगे। और नेक्स्ट क्या है? यम्मी सी आइसक्रीम है, तो फर्स्ट वर्ड है ग्रेप्स, क्या इसको टिक करने वाले हैं? नो। नेक्स्ट वर्ड है आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम को टिक कर देंगे। और नेक्स्ट पे है फ्रॉग, फ्रॉग और फिश, फर्स्ट वर्ड है फ्रॉग और नेक्स्ट वर्ड है फिश, तो हम फ्रॉग को टिक करने वाले हैं। ओके, सो अब आपने क्या करना है नंबर सी में? कलर द पिक्चर्स, जो हम पहले भी करते हैं। हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, इंसेक्ट, इग्लू एंड आइसक्रीम। अब आप क्या करेंगे? अपने पसंद के कलर चूज करेंगे और इनमें कलरिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास कौन सा इंसेक्ट है? ग्रास होपर। व्हाट इज इट? ग्रास होपर। तो ग्रास होपर किस कलर का होता है? ग्रीन। तो मैंने क्या किया है? ग्रीन कलर चूज कर लिया है। मेरे पास डार्क ग्रीन है, तो आप लाइट ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। और आपने इस तरह से ग्रास होपर के अंदर ग्रीन कलर कर लेना है, वाइट स्पेसेस नहीं छोड़नी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो एक साइड पे रहें, ठीक है? और इस तरीके से आपने इसकी कलरिंग कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो नेक्स्ट पिक्चर है इग्लू। तो इग्लू जो है, क्योंकि वो बर्फ के अंदर होता है, देखने में वो हमें वाइट ही लग रहा होता है, तो इसलिए आप इग्लू में अपनी पसंद का कोई सा भी कलर कर लें। जैसे ये मैंने एक प्यारा सा ब्लू कलर चूज किया है और मैं इसकी वाइट स्पेसेस के अंदर ये वाला कलर कर दूंगी। और आप अपनी पसंद से कोई सा भी कलर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इग्लू का कलर नज़र नहीं आता, वो बर्फ के अंदर छुपा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं कि आइसक्रीम में हमने कौन सा कलर करना है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम बहुत कलरफुल होती है। तो आइसक्रीम में आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आइसक्रीम ऑलमोस्ट हर कलर में मिल सकती है आपको। तो कोन में मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ, क्योंकि कोन जो है वो नीचे से ब्राउन भी होती है, पिंक भी होती है और रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, यानी कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसकी कलरिंग कंप्लीट करें और स्ट्रोक्स को एक साइड पे रखें, जैसे ये मैं नीचे की साइड पे लेके जा रही हूँ, और वाइट स्पेसेस को फिल करते जाएं और ब्यूटीफुल सा कलर कर लें। और इसको अब आप कंप्लीट करेंगे किसी की हेल्प के साथ। और आइसक्रीम में जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जैसे कोई भी फ्लेवर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर आई। हमने इसका साउंड भी सीखा और इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स भी सीखे और इसकी फॉर्मेशन भी सीखी। तो आपने देखा होगा कि लेटर आई की फॉर्मेशन सबसे ईजी है, क्योंकि हमने अब तक जितने लेटर सीखे हैं उनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, और लेटर आई तो बहुत ईजी है, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर योर लेटर आई इज। ओके, सो यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज पेजेस, लाइक पेज नंबर 26 और 27 को आप रिवाइज करेंगे किसी की हेल्प के साथ और इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।